Hello bacho, I welcome you all in my YouTube channel Socionomics, a complete guide for social science. तो बच्चों आज का वीडियो मेरे लेक्चर सीरीज का पार्ट 6 है, चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी फॉर क्लास 10 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड। इसका अर्थ होता है कि हमें कभी भी मौके के इंतजार में बैठे नहीं रहना चाहिए, बल्कि मौके को खुद बनाना चाहिए। सफल व्यक्ति मौके का कभी भी इंतजार नहीं करता है, वो मौके को खुद बनाता है और तभी जाकर के वो जीवन में सफलता पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया के बारे में, और जो टाइप्स ऑफ सॉइल हमें पढ़ना है उसका नाम है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल, रेड सॉइल और एरिड सॉइल। और हम लोग आज की इसी वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और हमेशा की तरह आज भी मैं इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट सॉइल के बारे में, और आज के इस वीडियो का जो फर्स्ट सॉइल है उसका नाम है एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल जो है वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। एलुवियल सॉइल के दो मेन टाइप्स होते हैं, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। खादर न्यू एलुवियल सॉइल को कहा जाता है और बांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल को कहा जाता है। खादर रिवर्स के एकदम नजदीक पाए जाते हैं और जो बांगर है वो रिवर से थोड़े दूर पाए जाते हैं। आप देखिए बच्चों कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो सॉइल पाया जाता है उसका नाम है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल काफी रिच होता है पोटाश और लाइम में, और पूरा जो नदन प्लेन है जिनमें स्टेट्स आते हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब एलुवियल सॉइल से बने हुए हैं। आप देखिए बच्चों कि एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। अच्छा, यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। जितने भी हिमालयन रिवर्स हैं वो जो भी सिल्ट क्ले पार्टिकल्स अपने साथ लेकर के आते हैं वो सभी क्ले पार्टिकल्स सिल्ट के डिपोजिशन से ही एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के इस वीडियो का नेक्स्ट सॉइल। तो नेक्स्ट सॉइल का नाम है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। साथ में ब्लैक सॉइल का सबसे ज्यादा कैपेसिटी है मॉइस्चर को होल्ड करने का। ब्लैक सॉइल काफी रिच होता है कैल्शियम कार्बोनेट और पोटाश में। क्या बच्चों आपको पता है ब्लैक सॉइल को लोकल भाषा में क्या बोला जाता है? तो ब्लैक सॉइल को लोकल भाषा में रिगूर सॉइल बोला जाता है। ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं जिन स्टेट्स में उनका नाम है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। नेक्स्ट जो सॉइल है उसका नाम है बच्चों लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल मेनली उन एरिया में पाए जाते हैं जहां पे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर और रेनफॉल होता है। लैटराइट सॉइल जो है इनफर्टाइल सॉइल कहलाता है, क्योंकि लैटराइट सॉइल में बहुत ही कम ह्यूमस होते हैं जो कि सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, लैटराइट सॉइल काफी रिच होता है आयरन और अल्मोनियम में। तो आपको ऐसा लगता होगा कि लैटराइट सॉइल में क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि लैटराइट सॉइल में यदि हम लोग फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे तो जाकर के क्रॉप्स ग्रो होते हैं किनमें, लैटराइट सॉइल में। और हमारे देश में जो भी सदर्न स्टेट्स हैं जैसे आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, इन सब स्टेट्स में लैटराइट सॉइल पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सॉइल के बारे में, और अभी का जो नेक्स्ट सॉइल है उसका नाम है रेड सॉइल। रेड सॉइल डेवलप होता है क्रिस्टलाइज्ड रॉक्स में। क्रिस्टलाइज्ड रॉक्स जो होते हैं वो काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, काफी हार्ड रॉक्स होते हैं। और आप देखिए बच्चों कि जो रेड सॉइल है इसका भी फर्टिलिटी काफी कम होता है, क्योंकि रेड सॉइल में आप देखिएगा कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स और ट्रीज को ग्रो करने के लिए वो न्यूट्रिएंट्स काफी कम मात्रा में मौजूद होते हैं। रेड सॉइल का कलर रेड इस वजह से होता है क्योंकि आयरन का डिफ्यूजन बहुत ही ज्यादा होता है आपका क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, और इसी वजह से रेड सॉइल का जो कलर है वो क्या होता है, रेड होता है। आप देखिए बच्चों कि हमारे देश में जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में
रेड सॉइल पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के नेक्स्ट सॉइल के बारे में, और आज का नेक्स्ट सॉइल है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल उन एरिया में डेवलप होते हैं जहाँ पे इवोपोरेशन बहुत ही ज्यादा होता है और मॉइस्चर काफी कम होता है, और इसका कारण ये है कि जहाँ पे भी एरिड सॉइल पाए जाते हैं वहां पे रेनफॉल काफी कम होते हैं। एरिड सॉइल में भी ह्यूमस का कंटेंट काफी कम होता है, इस वजह से आप देखिएगा कि एरिड सॉइल भी इनफर्टाइल सॉइल में गिना जाता है। अब देखिएगा बच्चों कि एरिड सॉइल में भी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, लेकिन एरिड सॉइल में अगर क्रॉप्स को ग्रो करना है तो बहुत ज्यादा फर्टिलिटी की आवश्यकता पड़ती है, और फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एरिड सॉइल में फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है। आप देखिएगा कि हमारे देश में जैसे गुजरात, राजस्थान, इन सभी राज्यों में जो है पाए जाते हैं कौन से सॉइल, एरिड सॉइल। फिर एक लास्ट सॉइल इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, वो है फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेन सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेन सॉइल भी इनफर्टाइल सॉइल होते हैं जो हिली या फॉरेस्ट रीजन में पाए जाते हैं। जो आपका माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल होते हैं उनमें रेट ऑफ इरोजन काफी ज्यादा होता है, इसीलिए इन सॉइल का फर्टिलिटी काफी कम होता है। आप देखिएगा हिली एरियाज में जो ट्राइबल्स होते हैं वो सभी लोग माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल में शिफ्टिंग कल्टिवेशन करके अपने लिए क्रॉप्स को ग्रो करने का काम करते हैं। आप देखिए बच्चों की जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया या हिमाचल प्रदेश हो गया, इन सभी राज्यों में आपको माउंटेन सॉइल या हिली सॉइल देखने को मिलते हैं। फिर हम लोग आज देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस चैप्टर में एनसीईआरटी के द्वारा आपको बताए गए, उनका मतलब हम लोग समझते हैं। तो आप देखिएगा कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है द्वार्स। द्वार्स क्या होता है? तो द्वार्स फ्लड प्लेन होते हैं इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयस। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हिमालयस का, वहां पे जो फ्लड प्लेन पाए जाते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, द्वार्स। द्वार्स काफी फर्टाइल रीजन होते हैं और द्वार्स में क्रॉप्स वगैरह काफी ज्यादा मात्रा में ग्रो हो सकते हैं। फिर आप देखिएगा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसका नाम है चोस। चोस क्या है? चोस अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीम विच फ्लोस थ्रू शिवालिक रेंज। तो आप देखिएगा कि शिवालिक रेंज के साउथ में बहुत सारे जो है छोटे छोटे जल धाराएं बहती है, और इन जल धाराओं के जो ग्रुप होते हैं उन्हें को क्या बोला जाता है बच्चों, चोस बोला जाता है। फिर जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसका नाम है रावीज। रावीज क्या है? तो आप देखिएगा कि चंबल घाटी में बहुत सारे जो है वो आपके वेस्टलैंड पाए जाते हैं या बैड लैंड पाए जाते हैं जो कि काफी इनफर्टाइल होते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, और इन्हीं एरियाज को क्या बोला जाता है, रावीज बोला जाता है। एक और टर्म इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है उसका नाम है तेराई। तेराई के बारे में आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है बच्चों। तो तेराई का मतलब होता है मार्शी लैंड विच इज फाउंड इन द रीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। तो मार्शी लैंड मतलब दलदली भूमि जो कि नॉर्दर्न प्लेन वाले रीजन में पाए जाते हैं जहां पर बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, तेराई रीजन। और बच्चों हमेशा की तरह आज भी हम लोग पढ़ते हैं आज का डू यू नो सेक्शन। तो आज के डू यू नो सेक्शन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लीचिंग के बारे में। तो लीचिंग क्या होता है? लीचिंग एक प्रोसेस है जिससे जो वाटर सोलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के वो रिमूव होते चले जाते हैं, जिससे सॉइल का फर्टिलिटी काफी ज्यादा कम होता है। आप देखिए बच्चों कि लेटराइट सॉइल में लीचिंग की ही वजह से जो सॉइल का फर्टिलिटी है काफी ज्यादा कम हो जाता है। आपको बच्चों ये ध्यान देना है कि जो भी टॉपिक मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया है यदि उसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट जो मैं लेक्चर सीरीज बनाऊंगा वो सिविक्स के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का बहुत ही डिमांड आया है कि सर आप सिविक्स के ऊपर जो है लेक्चर सीरीज बनाइए। तो अब जो वीडियोस अपलोड होंगे वो सिविक्स के ऊपर अपलोड होंगे। तो बच्चों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को आप सपोर्ट करें ताकि आपके लिए मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार बनाते रहूं। थैंक यू वेरी मच।